हेलो एवरी वन वेलकम टू हिलियज कोचिंग हिमाचल दिस इज़ पार्ट सेवन एंड ऑल्सो द लास्ट पार्ट ऑफ एच पी इकनॉमिक सर्वे टू थाउजेंड नाइनटीन टी सीरीज़ जिसमें हमने एच पी इकनॉमिक सर्वे को बहुत ही ग्रेट डिटेल में कवर किया है एच पी पी एस सी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको इकनॉमिक सर्वे खुद पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने हमारी इस सीरीज़ को फ्रॉम वीडियो नंबर वन टू वीडियो नंबर सेवन दैट इज़ दिस वीडियो यहाँ तक अगर आपने अच्छे से किया है तो आपको इकोनॉमिक सर्विस रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इस सीरीज़ की सभी uh, वीडियोस का एक uh, जो पीडीएफ है दैट इज़ अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ हेलियोस कोचिंग हिमाचल सो प्लीज़ डू चेक आउट फॉर दैट। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो प्रीवियस वीडियो में दैट इज वीडियो नंबर सिक्स उसमें हमने uh, चैप्टर नंबर थर्टीन दैट सोशल सेक्टर उसका हमने एजुकेशन वाला पार्ट कवर कर लिया था इस वीडियो में हम सोशल सेक्टर uh, के रिमेनिंग पार्ट्स कवर करेंगे और साथ ही साथ जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं इकोनॉमिक सर्वे के उन्हें भी हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द हेल्थ सेक्टर तो नेशनल लिप्रेसी इराडिकेशन प्रोग्राम के अंडर हिमाचल प्रदेश में 1995 में द प्रिवलेंस रेट ऑफ लिप्रेसी वाज 5.14 पर 10,000 जो कि कम होकर टिल नवंबर 2018 हो गया था 0.19 पर 10,000 कंपैरेटिव पोजीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश विद इंडिया इन सिलेक्टेड डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स 2016 थाउजेंड सिक्स टू ट्वेंटी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल 2016 से लेकर 20 तक कुछ एक डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की हम बात करते हैं और कंपेयर करते हैं हिमाचल और इंडिया का परफॉर्मेंस इसमें तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट टू थाउजेंड से 20 तक इंडिया के लिए था 11 परसेंट एच पी के रेट वॉज 7 परसेंट क्रूड बर्थ रेट इंडिया 18 एच 13 थर्टीन क्रूड डेथ रेट फॉर इंडिया वॉज 7 एच के लिए 7 था इन फैक्ट मोटेलिटी रेट वोज 39 फॉर इंडिया एंड एच के लिए वोज 34 फोर मोर्टेलिटी रेट india may 51 tha and hp made 38 total fertility rate in india was 2 again hp may uh, again it is the same for the hp as well life expectancy of male uh, for india was 68 whereas for hp it was 70 and life expectan uh, expectancy for female india was 71 so, toh he females female is 76 So, you sakti health indicators mein, himachal is doing way better than the national average now, let's talk about some of the schemes in the health sector. The first one is the Mukhya Mantri State Health Care Scheme. This scheme, which was launched on the 1st March. 2016 को जिसमें कि ये बेनिफिशरीज़ कौन कौन है इस स्कीम के, uh, के वो वे एकल नारी यानी कि सिंगल वुमेन सीनियर सिटीजन अब ऑफ एटी ईयर्स डेली वेज वर्कर्स पार्ट टाइम वर्कर्स आंगनबाड़ी वर्कर्स या हेल्पर्स मिड डे मील वर्कर्स कॉन्ट्रेक्चुअल एंड एंडसन विद मोर देन सेवेंटी परसेंट ऑफ स्पेशल एबिलिटी इन लोगों को इसमें कवर किया जाता है और इस हेल्थ स्कीम uh, के अंडर वन पॉइंट जीरो फाइव लैक स्मार्ट कार्ड्स जो है वो बन चुके थे अपटिल द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर दैट इज टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन में और इस स्कीम के अंडर आ, हेल्थ कवर दिया जाता है जो कि बेसिक हेल्थ कवर यानी कि बेसिक एलमेंट के लिए थर्टी थाउजेंड का हेल्थ कवर क्रिटिकल केयर के लिए वन पॉइंट सेवन फाइव और कैंसर जैसे सीरियस डिजीज के लिए टू पॉइंट टू फाइव का हेल्थ कवर दिया जाता है अंडर दिस स्कीम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अकॉर्डिंग 95 हेल्थ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं हिमाचल प्रदेश में जो 24 फोर आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और इसके अलावा 698 रोगी कल्याण समितिज भी हैं दिस डेटा इज़ समथिंग दैट यू कैन स्किप फॉर योर प्रीलिमिन्री एग्जामिनेशन सिंस इट वॉज देयर इन द इकनॉमिक सर्वे दैट इज वाई आई हैव मैंशन इट हियर नेक्स्ट इज मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की बात करते हैं तो हिमाचल में टोटल सिक्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं अब वो कहाँ कहाँ पर हैं वो आप देखिए और उनके नाम कहाँ पर नाम क्या हैं वो भी ध्यान में रखने वाली बात है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज इट इज़ इन शिमला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा यशवंत सिंह परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इज इन नाहन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इज इन मंडी इसके अलावा एक गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज भी है जो कि शिमला में है आयुर्वेदा की बात करते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा वॉज इस्टैब्लिश इन द ईयर नाइनटीन एटी फोर और हिमाचल में हेल्थ केयर सर्विसज़ जो हैं आयुर्वेदा से रिलेटेड वो प्रोवाइड की जा रही हैं थ्रू वेरियस आयुर्वेदिक सेंटर्स जिसमें कि दो रीजनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं थर्टी वन डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं एक नेचर क्योर हॉस्पिटल है वन सेवेंटी एट आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर्स हैं थ्री यूनानी हेल्थ सेंटर्स हैं होम्योपैथिक हेल्थ सेंटर्स हैं और फोर्टीन आमची क्लिनिक्स हैं अब ये क्लिनिक्स का नंबर एंड ऑल आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है इसमें ध्यान रखने वाले जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि ये आमची क्लिनिक्स क्या हैं आमची एक तिब्बतन मेडिकल ट्रीटमेंट होता है जिसे हम कहते हैं सोआ रिग्पा राइट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ हीलिंग तो सोआ रिग्पा से रिलेटेड यहाँ पर मतलब सोआ रिगपा के थ्रू जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है वैसे क्लिनिक्स को आमचे क्लिनिक्स कहते हैं रिगा so, ये नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये जीएस uh, का भी क्वेश्चन बन सकता है कि सोआ रिग्पा क्या है तो इट इज़ अ तिब्बतन मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ही एंशंट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ये है राइट मूविंग ऑन आयुर्वेदिक फार्मसी इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एच कि तीन आयुर्वेदिक फार्मेसीज़ कौन सी हैं और कहाँ कहाँ पर हैं तो जोगिंदर नगर मंडी माजरा सिरमौर और पपरोला कांगड़ा में ये तीन आयुर्वेदिक फार्मेसीज हैं इसके अलावा राजीव गांधी गवर्नमेंट पी आयुर्वेदिक कॉलेज है पपरोला इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और एक बी फार्मेसी कॉलेज भी है आयुर्वेदा का विच इज़ इन जोगिंदर नगर डिस्ट्रिक्ट मंडी एनीमिया फ्री हिमाचल ये एक स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिफ्टी लाख रुपीज सेंक्शन किए हैं स्टेट गवर्नमेंट को जो कि तीन डेवलपमेंट ब्लॉक्स में इसको लॉन्च किया गया था बसंतपुर शिमला बंजार कुल्लू और बैजनाथ कांगड़ा में इसके अलावा पोषण अभियान जो है ये भी आ, आ, अनीमिया के लिए चलाया जा रहा है एंड अगेन इट इज आल्सो इन थ्री डेवलपमेंट ब्लॉक्स जो कि है बांगना डिस्ट्रिक्ट ऊना भोरज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर और तीसरा डिस्ट्रिक्ट चंबा में सोशल वेलफेयर प्रोग्राम की अब हम बात करते हैं कि सोशल वेलफेयर में कौन कौन सी स्कीम्स हैं तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम ओल्ड एज पेंशन स्कीम इज़ द फर्स्ट स्कीम इसमें सिक्सटी ईयर्स और जो अबव होते हैं यानी कि सिक्सटी ईयर्स से लेकर सेवेंटी ईयर्स तक के जो सीनियर सिटीजन होंगे उन्हें ये पेंशन प्रोवाइड की जाती है एट फिफ्टी रुपीज़ पर मंथ की इसमें कंडीशन ये है कि इन सीनियर सिटीजन्स की जो मंथली इनकम है वो सॉरी जो एनुअल इनकम है वो थर्टी फाइव थाउजेंड से कम होनी चाहिए अब आप ब्रैकेट पे देख सकते हैं ब्रैकेट में लिखा गया है सेवन फिफ्टी पर मंथ एक्चुअल में ये प्रीवियस पेंशन है पहले जो सेवन फिफ्टी रुपीज़ पर मंथ पेंशन दी जाती थी अब इसको बढ़ाकर जो है वो एट फिफ्टी रुपीज़ पर मंथ कर दिया गया है वहीं पर अगर 70 इयर्स या 70 इयर्स से ऊपर 70 या 70 से ऊपर के जो सीनियर सिटीजन हैं उन्हें फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ पर मंथ की पेंशन दी जाती है और इस कैटेगरी के लिए कोई भी इनकम का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है ये जो पंद्रह सौ रुपये पर मंथ का पेंशन है ये इससे पहले थर्टीन हंड्रेड पर मंथ था तो आपको प्रीवियस कितना पेंशन आ, का अमाउंट था वो भी पता होना चाहिए और क्योंकि और नया वाला तो ऑफकोर्स पता होना ही चाहिए क्योंकि कई बार प्रीवियस भी पूछ लेते हैं नेक्स्ट है स्पेशल एबिलिटी रिलीफ अलाउंस तो इसमें फोर्टी परसेंट तक की जिन्हें स्पेशल एबिलिटी होती है और उनकी एनअल इनकम थर्टी फाइव थाउजेंड से कम है ऐसे स्पेशल uh, एबल्ड uh, लोगों को एट फिफ्टी रुपीज़ पर मंथ का पेंशन दिया जाता है अगेन ये पहले सेवन फ़िफ्टी रुपीज़ पर मंथ था और सेवेंटी परसेंट से ज़्यादा की कि अगर किसी को uh, ये है स्पेशल uh, एबिलिटी है तो इसमें विदाउट एनी इनकम क्राइटेरिया फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ पर मंथ का पेंशन दिया जाता है विडो और डिजर्टेड और एग नारी पेंशन इसमें uh, ऐसी जो सिंगल uh, वुमेन होती हैं डिजर्टेड या विडोड uh, वुमेन होती हैं जिनकी एनुअल इनकम थर्टी फाइव थाउजेंड पर एन से कम होती हैं उन्हें एट फिफ्टी रुपीज़ पर मंथ का uh, पेंशन दिया जाता है और इसमें एक एज क्राइटेरिया भी है फोर्टी फाइव से ऊपर की वीमेन को ये पेंशन दी जाती है रिहेबिलिटेशन अलाउंस टू लेपस दिया जाता है लेप्स के जो पेशेंट्स हैं उन्हें बिना किसी एज या इनकम लिमिट के एट फिफ्टी रुपीज़ पर मंथ का आ, ये अलाउंस दिया जाता है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम ये सेंट्रल uh, गवर्नमेंट uh, का स्कीम है जिसमें सिक्सटी ईयर्स या उससे ऊपर के जो भी बी पी एल हाउस होल्ड को बिलोंग करने वाले सीनियर सिटीजन हैं उन्हें uh, ये उनके लिए स्कीम है तो इसमें Uh, दो एज ग्रुप्स हैं पहला एज ग्रुप है सिक्सटी ईयर टू सेवेंटी नाइन ईयर इन्हें टू हंड्रेड रुपीज़ पर मंथ का uh, जो है ये दिया जाता है पेंशन uh, दिया जाता है और 80 इयर्स और उससे ऊपर वाले uh, को फिफ फाइव हंड्रेड रुपीज़ पर मंथ का पेंशन दिया जाता है अब ये सेंटर के जो बेनिफिशरीज़ हैं उन्हें टू हंड्रेड रुपीज़ और फाइव हंड्रेड का जो है वो पेंशन मिलता है लेकिन स्टेट के बेनिफिशरीज़ को जैसे हमने देखा कि उन्हें एट फिफ्टी रुपीज़ और फिफ्टीन हंड्रेड का पेंशन uh, मिलता है तो सेंटर स्कीम के बेनिफिशरीज़ को स्टेट स्कीम के बेनिफिशरीज़ के सेम uh, लेवल पर लाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट uh, अपनी तरफ से भी कुछ कंट्रीब्यूट करती है यानी कि इस स्कीम की जो बेनिफिशरीज़ हैं उन्हें टू हंड्रेड रुपीज़ मिलेंगे स्टेट सेंट्रल uh, गवर्नमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट अपनी तरफ से स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से सिक्स फिफ्टी रुपीज़ इसमें ऐड करेगी uh, ताकि जो टोटल पेंशन है सिक्सटी से सेवेंटी नाइन तक के uh, बेनिफिशरीज़ uh, का वो हो जाए एट फिफ्टी रुपीज़ यानी कि स्टेट पेंशन स्कीम के बेनिफिशरीज़ के जितना एंड सिमिलरली जो एटी ईयर्स से ऊपर के हैं उनके लिए फाइव हंड्रेड रुपीज़ uh, जो है वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट देता है और वन थाउजेंड रुपीज़ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ताकि उनकी जो पेंशन है वो भी फिफ्टीन थाउजेंड हो जाए यानी कि स्टेट के बेनिफिशरीज़ के जितना राइट right? नेक्स्ट इज़ इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन 40 टू 79 नाइन ईयर्स के लिए स्कीम है फॉर बीपीएल बी हाउस होल्ड इसमें गवर्नमेंट 300 हंड्रेड जो है वो देती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट अपनी तरफ से 650 फिफ्टी इसमें जो है वो ऐड करता है और इसमें वन थाउजेंड पर मंथ दिया जाता है अबव सेवेंटी ईयर्स के लिए यानी कि गवर्नमेंट इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन uh, करती है इंदिरा गांधी नेशनल स्पेशल एबिलिटी स्कीम इस स्कीम के अंडर ये 18 टू नाइन सेवनटीन सेवेंटी नाइन ईयर्स तक एज ग्रुप के लिए है जिन्हें एट्टी परसेंट की स्पेशल एबिलिटी है और जो बी पी एल हाउस होल्ड को बिलोंग करते हैं इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्री हंड्रेड रुपीज़ प्रोवाइड करती है और स्टेट अपनी तरफ से इसमें ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज़ एड करती है नेक्स्ट इज़ वेलफेयर ऑफ एस सी एस टी एंड ओ बी सीज तो इसमें सबसे पहली जो स्कीम है दैट इज अवार्ड फॉर इंटर कास्ट मैरिज इंटर कास्ट मैरिड कपल्स को फिफ्टी थाउजेंड ग्रांट दी जाती है हाउसिंग सब्सिडी में एस सी एस टी माइनॉरिटीज़ और स्पेशल एबिलिटी या विडो एस्टिट्यूट सिंगल वूमेन को सब्सिडी uh, दी जाती है वन लैख थर्टी थाउजेंड की पर फैमिली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ़ न्यू हाउस और इसमें ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ दिए जाते हैं फॉर द रिपेयर ऑफ ओल्ड हाउस इसमें इनकम लिमिट भी है दैट इज़ थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज़ पर एनम ट्रेनिंग एंड प्रोफिशेंसी इन कंप्यूटर अपलीकेशन इन एलाइड एक्टिविटीज़ बी पी एल एस सी एस टी ओ बी सी माइनॉरिटीज़ स्पेशल एबिलिटीज, सिंगल वुमेन एंड विडोस के लिए ये स्कीम है जिसमें uh, ऐसे जिनकी एनअल इनकम टू लाख रुपीज़ पर एन एम से uh, कम है उन्हें कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है जिसमें इन्हें स्टैपन दिया जाता है वन लाख सॉरी थर्टीन हंड्रेड फिफ्टी पर मंथ पर कैंडिडेट का और स्पेशल एबल्ड कैंडिडेट्स को फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ का

यूजल नॉर्मल कैंडिडेट्स को और एटीन हंड्रेड पर मंथ पर कैंडिडेट दिया जाता है स्पेशली एबल स्टूडेंट्स को कॉम्पनसेशन टू ऑफ अट्रॉसिटीज ऑन एस सीज़ एस टीज़ फैमिलीज अंडर एस सी एस टी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अट्रॉसिटीज एक्ट नाइनटीन ऐटी नाइन एक तो आप इस अट्रासीटीज़ एक्ट का ईयर याद रखिएगा दैट इज़ नाइनटीन ऐटी नाइन और अट्रासीटीज़ के जो भी विक्टम्स होते हैं उन्हें मॉनट्री रिलीफ दिया जाता है वन लाख से एट पॉइंट टू फाइव लाख तक का नेक्स्ट इज वेलफेयर ऑफ स्पेशली एबल्ड तो इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड स्कीम है असीम दैट स्टैंड फॉर अ स्कीम फॉर एनेबलिंग एम्पावरिंग एंड मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द स्पेशली एबल्ड तो इसके अलग अलग कॉम्पनस हैं फर्स्ट वन इज स्पेशलीबल्ड स्कॉलरशिप स्पेशल एबिलिटी फोर्टी परसेंट या उसे अब हो तो उसके लिए स्कॉलरशिप दी जाती है कुछ एक मिनिमम अमाउंट दिया जाता है नेक्स्ट इज मैरिज ग्रांड टू इंडिविजुअल्स मैरिंग विद स्पेशल एबिलिटीज तो जो स्पेशली एबल्ड हैं उनकी मैरिजिज़ को इनक्रेज करने के लिए गवर्नमेंट इसमें uh, आपको कुछ ग्रांट देती है फॉर द मैरिज कितनी ग्रांट मिलती है वो आप ये देख सकते हैं अगर uh, जो कपल हैं दोनों ही स्पेशली एबल्ड हैं तो मैरिज ग्रांट दी जाती है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड राइट और फोटी या सिक्सटी नाइन परसेंट तक की अगर स्पेशली एबल्ड हो तो फिफ्टी थाउजेंड दी जाती है और सेवेंटी परसेंट से ज़्यादा की अगर स्पेशल एबिलिटी है तो फिफ्टी थाउजेंड दी दिया जाएगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड दिया जाएगा अगर फोर्टी टू सिक्सटी नाइन परसेंट की स्पेशल एबिलिटी है और फिफ्टी परसेंट दिया जाएगा अगर मोर देन सेवेंटी परसेंट स्पेशल एबिलिटी है अवेयरनेस जनरेशन एंड ऑरटेशन तो इसमें ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैंप्स लगाए जाते हैं विद्प ऑफ एन जी ओज एंड एस एच जीज जिसमें मेडिकल फैसिलिटीज एंड एड्स प्रोवाइड की जाती हैं स्पेशली एबल्ड को और साथ ही साथ मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी दिए जाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फोर्टी परसेंट या अबव की स्पेशल एबिलिटी वाले पर्सनस uh, को हिमाचल प्रदेश माइनॉरिटीज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन से लोन दिया जाता है टू सेटअप देयर ओन स्मॉल वेंचर्स और स्किल एनरीचमेंट के लिए वोकेशनल रिहेबलीशन ट्रेनिंग दी जाती है इनसेलेक्टेड आई टी में फ्री ऑफ कॉस्ट और इसका जो स्टाइपेंड होता है वो है वन थाउजेंड पर मंथ स्कीम ऑफ अवार्डस Uh, अगर कोई एम्प्लॉयर किसी स्पेशली एबल्ड को इम्प्लॉयमेंट uh, देता है तो उसमें से बेस्ट एम्प्लॉयर को जो है वो कैश प्राइज़ दिया जाएगा और जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्पेशली एबल्ड इंडिविजुअल होता है उसे भी इसमें रिवॉर्ड दिया जाता है तो ये स्कीम इसलिए लॉन्च की गई है ताकि जो स्पेशली एबल्ड हैं उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जा सके और प्राइवेट सेक्टर स्पेशली एबल्ड इंडिविजुअल्स को जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें इंस्टीट्यूशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स तो ऐसे बच्चों के लिए दो इंस्टीट्यूट्स हैं एक है ढली शिमला में और दूसरा है सुंदरनगर मंडी में जहाँ पे इन्हें एजुकेशन और वोकेशनल रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड की जाती है स्पेशली टू द विजुअली एंड हियरिंग एम्पेयर चिल्ड्रन और इसके अलावा दो स्पेशल एबिलिटी रिहेबलीटेशन सेंटर्स भी हैं एक है हमीरपुर में और दूसरा है धर्मशाला में लेट्स टॉक अबाउट चाइल्ड वेलफेयर तो एक सेंटर की स्कीम है दैट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम जो कि जिसका अब नाम हो गया है चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम तो ये बच्चों की ओवरऑल uh, डेवलपमेंट के लिए दिस इज द स्कीम नेक्स्ट इज़ मुख्यमंत्री बाल उधार योजना तो ये जो स्कीम है इस स्कीम में फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है बच्चों को जो फॉस्टर केयर में हो सॉरी फॉस्टर जो ऑर्फन में होते हैं और जब वो ऐसे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स को चली छोड़ भी देते हैं तो भी उन्हें फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है बाल और बालिका सुरक्षा योजना एंड फॉस्टर केयर प्रोग्राम तो ये स्कीम है ऐसे बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स नहीं हैं और जो अपने किसी रिलेटिव्स के साथ रह रहे हैं या किसी और गार्जियन के साथ रह रहे हैं किसी की फॉस्टर केयर में है तो इस स्कीम के अंडर टू थाउजेंड पर चाइल्ड पर मंथ दिया जाता है फॉस्टर पेरेंट्स को ताकि वो बच्चों की अच्छे से देखभाल कर सके और 300 हंड्रेड पर चाइल्ड पर मंथ जो है वो दिया जाता है बच्चों को और ये बच्चों के बैंक अकाउंट में जो है वो फ़ंड ट्रांसफ़र किया जाता है और जब वो बच्चे एटीन ईयर्स के हो जाते हैं तो वो उस फंड को विड्रॉ कर सकते हैं नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ये सभी डेवलपमेंट ब्लॉक्स में जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं टू प्रोवाइड द हेल्थ बेनिफिट्स टू चिल्ड्रेन एंड प्रेगनेटिंग प्रेगनेंट और लैक मदर्स वुमेन वेलफेयर वुमेन स्टेट होम मशोबरा में है जहाँ पे जो डेस्टिट्यूट या डिजर्टेड वेमेन हैं विडोज हैं उन्हें फ्री शेल्टर फूड क्लोथिंग एजुकेशन हेल्थ मेडिसिन काउंसलिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और जब ये वुमेन स्टेट होम को छोड़ देती हैं सेंटर को रिहेबिलटेशन सेंटर को तो उन्हें ट्वेंटी थाउजेंड तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाता है और अगर आ, ऐसी वुमेन को आ, शादी करनी है तो उसके लिए उन्हें फ़िफ्टी वन थाउजेंड की ग्रांट भी दी जाती है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंडर ऐसी फैमिलीज जिनकी इनकम थर्टी फाइव थाउजेंड से कम है वैसी बच्चियों की मैरिज के लिए स्टेट गवर्नमेंट फिफ्टी वन थाउजेंड रुपीज़ की मैरिज ग्रांट देती है अर्लियर दिस ग्रांट वॉज फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ तो ये याद रखिएगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस फॉर वेमेन्न स्कीम के अंडर ऐसी वुमन जिनकी इनकम लेस दैन थर्टी फाइव थाउजेंड है उन्हें फाइव थाउजेंड रुपीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं अगर उन्हें कोई इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट करनी है विडो रिमांड स्कीम के अंडर फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ ग्रांट दिए जाते हैं और मदर टेरिसा असहाय मात्री संबल योजना के अंडर जो सिंगल मदर्स होती हैं डेस्टीट्यूटेड वमेन होती हैं उन्हें सिक्स थाउजेंड रुपीज़ पर चाइल्ड पर एनम uh, की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है अप टू टू चिल्ड्रन टिल their एज ऑफ एटीन ईयर्स यानी कि दो बच्चों तक जब तक वो अट्ठारह की नहीं हो जाती तब तक ये असिस्टेंस उन्हें दी जाती है और पहली ये फाइनेंशियल असिस्टेंस थी फाइव थाउजेंड रुपीज़ विशेष महिला उत्थान योजना ऐसी वमेन वो आर इन मॉरल डेंजर उन्हें ट्रेनिंग और रिहेबिलिटेशन की भी ये स्कीम लॉन्च की गई है जिसमें उन्हें थर्टी थाउजेंड पर मंथ पर ट्रेनिंग स्टैपेंट दिया जाता है और उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाता है फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सपोर्ट सर्विस टू विक्टम्स ऑफ रेप तो इसमें एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है अप टू सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ और इसके अलावा उन्हें काउंसलिंग मेडिकल एड लीगल असटेंस एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो है वो हिमाचल के हंड्रेड डिस्ट्रिक्स में इनिशली लॉन्च हुई थी जिसमें कि हिमाचल ऊना का डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज वन 2016-17 में इसको एक्सटेंड करके कांगड़ा और हमीरपुर में भी इंप्लीमेंट कर दिया गया और 17-18 में इसे बाकी फाइव uh, डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट किया गया दैट इज़ सोलन सिरमौर शिमला एंड बिलासपुर बी टी अनमोल योजना में पोस्ट बर्थ ग्रांट दी जाती है अप टू टू गर्ल चाइल्ड यानी कि बच्चियों की बर्थ uh, के बाद ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज़ की वन टाइम ग्रांट दी जाती है जो कि उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र uh, किया जाता है फंड स्कीम फॉर अडोल्स एंड गर्ल्स सैग ये इसको यूनिवर्सलाइज कर दिया गया था फर्स्ट अप्रैल 2018 से और इस स्कीम ने रिप्लेस किया है किशोरी शक्ति योजना को ये चीज़ याद रखिएगा इसमें जो आउट ऑफ स्कूल अडोल्स एंड गर्ल्स हैं यानी कि जो स्कूल नहीं जाती और अडोलिस गर्ल्स हैं इलेवन टू फोर्टीन ईयर्स की उन्हें वापस स्कूल्स तक ले जाना एक स्कीम का है इसके अलावा जो अडोलसेंट गर्ल्स हैं उन्हें न्यूट्रिशनल और हेल्थ हेल्थ हाइजीन न्यूट्रिशन होम स्किल्स लाइफ स्किल्स वोकेशनल स्किल्स के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करना ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ये स्कीम के अंडर आता है और इसमें कॉस्ट शेयरिंग है नाइन्टीज टू टेन यानी कि नाइन्टी परसेंट सेंटर के फंड्स होंगे और टेन परसेंट स्टेट फंड्स होंगे इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना नाइन्टीज टू टेन इसका अगेन शेयरिंग है जिसमें जो पार्शल कॉम्पन्सेशन फॉर द वेज लॉस दिए और कैश इंसेंटिव दिया जाता है फॉर द वुमेन यानी कि डिलीवरी के बाद इसमें जो ग्रांट दी जाती है फाइव थाउजेंड रुपीज़ की टू द प्रेगनेंट वुमन एंड द लेक्टिंग वेमेन ये थ्री इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है फॉर फर्स्ट लिविंग चाइल्ड ये याद रखिएगा वन स्टॉप सेंटर एक ऐसा सेंटर है फॉर द वुमेन जहाँ पे उन्हें हर तरीके की असिस्टेंस मिलेगी लीगल असिस्टेंस मेडिकल असिस्टेंस साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एवरी जो भी वेमेन जो अफेक्टेड बाई वायलेंस हैं उन्हें ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी इसमें और पहला जो वन स्टेप सेंटर जो था वो सोलन में सेटअप किया गया था महिला शक्ति केंद्र ये इस्टेब्लिश किए जाएंगे रूरल वुमेन को एम्पावर करने के लिए 2017-18 में इसे ऊना कांगड़ा और हमीरपुर में इसे लॉन्च किया गया था और 18-19 में इसे बाकी और डिस्ट्रिक्स शिमला सोलन सिरमौर बिलासपुर मंडी डिस्ट्रिक्ट में किया गया था और जो चंबा के बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं वहाँ पर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था सशक्त महिला योजना इस स्कीम के अंडर Uh, जो अडॉलसन गर्ल्स आती हैं 11 टू 18 इयर्स की और 19 टू 45 यानी कि बेसिकली 11 टू 45 इयर्स तक की जो विमन, उस वेमेन को इसमें कवर किया जाएगा और ये है फॉर द सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वेमेन इसमें हर एक पंचायत इस स्कीम के अंडर हर एक पंचायत में सशक्त महिला केंद्र सेटअप किए जाएंगे सक्षम uh, uh, सक्षम गुड़िया बोर्ड हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश ने एक कन्या सशक्त uh, कन्या सशक्तिकरण और कल्याण बोर्ड स्टैब्लिश किया है और इस बोर्ड का नाम बदलकर जो कि कल्याण बोर्ड था इसे uh, बदलकर अब सक्षम गुड़िया बोर्ड इसका नाम रख दिया गया है नेक्स्ट चैप्टर नंबर फोर्टीन विच इज रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज लेट्स टॉक अबाउट द रूरल डेवलपमेंट नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ने रिप्लेस किया है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 2013 से और ये हिमाचल के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ये स्कीम है फॉर द रूरल यूथ ऑफ 15 टू 35 फाइव ईयर्स जिसमें कि कैंडिडेट्स को ट्रेन किया जाएगा उन्हें यूजफुल स्किल्स इम्पार्ट किए जाएंगे और जो ट्रेन कैंडिडेट्स होंगे उसमें से कम से कम सेवेंटी परसेंट कैंडिडेट्स को रिप्लेसमेंट भी इसमें प्लेसमेंट भी इसमें दी जाएगी एटलीस्ट फॉर द पीरियड ऑफ थ्री टू ट्वेल्व मंथ्स प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंडर सभी रूरल हाउस को पक्का हाउस प्रोवाइड करने का टारगेट रखा गया है बाय द ईयर 2022 जिसमें 1.3 लाख पर फैमिली तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है हिली और डिफिकल्ट स्टेट्स में संसद आद, सांसद आदर्श ग्राम योजना ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है जिसमें आ, कोई भी जो एमपी होगा उसे एटलीस्ट एक ग्राम पंचायत को आइडेंटिफाई करके अडॉप्ट करना होगा और वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कैरी आउट करनी पड़ेंगे अनुराग ठाकुर हैं इनका आ, जो 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 इन्होंने जहाँ पर ये सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंडर जो इन्होंने ग्राम पंचायत चुनी है वो है चतरा विलेज डिस्ट्रिक्ट ऊना में ये चीज़ याद रखिएगा नेक्स्ट इज़ नेशनल रर्बन मिशन जिसका के नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन 2016 में इसको लॉन्च किया गया था इसके अंडर जो रूरल एरियाज़ हैं उन्हें एज अ रर्बन सेंटर्स हमने डेवलप करना है और इसके अंडर अभी तक हिमाचल में सिक्स क्लस्टर्स को डेवलप किया जा सका uh, जा चुका है जो कि है कि सांगला में uh, सोलन में uh, हिन्नर मंडी डिस्ट्रिक्ट में ऑट किन्नौर में अगेन मोरंग चंबा में सिमता और शिमला में घनाटी को डेवलप किया गया है मातृशक्ति बीमा योजना ये एक स्टेट की स्कीम है जो कि uh, सभी वुमेन के लिए अवेलेबल है फ्रॉम द ईयर ऑफ टेन टू तो सेवेंटी फाइव ईयर्स जो कि बीपीएल की, की वुमेन है इसमें कॉम्पनसेशन दिया जाता है अगर डेथ हो जाती है इसमें डेथ कवर मिलता है टू लैख का परमानेंट स्पेशल एबिलिटी के लिए भी टू लाख का कवर मिलता है वन लिंब और वन आई या फिर बहुत आए लॉस के लिए टू लाख का कवर वन लिम्ब और वन ईयर के लिए वन लाख तक का कवर और हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है तो टू लाख तक का कवर मिलता है कवर्स कितने का कवर मिलता है ये याद रखना जरूरी नहीं है आप इसमें सिर्फ याद आ, एज ग्रुप याद रखिएगा टेन टू सेवेंटी फाइव ईयर्स और ये बी पी वुमेन के लिए है आप बस इतना याद रखिएगा नेक्स्ट इज महर्षि वाल्मीकि संपूर्ण स्वच्छता पुरस्कार और स्कूल सैनिटेशन रिवॉर्ड स्कीम ये जो दो स्कीम्स हैं ये स्वच्छ भारत को इनक्रेज करने के साथ साथ जो क्लिनलीनेस और हाइजीन है ऐसी प्रैक्टिस को इनक्रेज करने के लिए विद इन द स्टेट ये स्कीम को लॉन्च किया गया है महर्षि वाल्मीकि संपूर्ण स्वच्छता पुरस्कार में जो क्लीनेस्ट आपकी ग्राम पंचायत होती है उसे पुरस्कार दिया जाता है ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट डिविजन और स्टेट लेवल पर और स्कूल सैनिटेशन अवार्ड स्कीम में क्लीनेस्ट प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स को अवार्ड दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर महिला मंडल प्रोत्साहन योजना में भी टू थाउजेंड एट से uh, लॉन्च किया गया था और uh, जो महिला मंडल होते हैं गांव के उन्हें एन उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और बाकी सब में उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन को एनकरेज करने के लिए ये अवार्ड uh, स्कीम है इसके अलावा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम सेकेंड फेबरी टू को ये लॉन्च हुई थी ये जो मनरेगा है एक्ट है ये टू का है लेकिन ये इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ था टू में तो फर्स्ट फेज में चंबा और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया गया था 2006 में सेकंड फेज में कांगड़ा और मंडी डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया 2007 में और 2008 में दैट वाज इन इट्स थर्ड और दो हजार आठ में भी इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दिया गया पंचायती राज की बात करते हैं तो एट प्रेजेंट हिमाचल में बारह जिला परिषद हैं सेवेंटी पंचायत समितिज हैं और थ्री ग्राम पंचायत हैं नेक्स्ट नंबर फिफ्टीन दैट इज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अटल मिशन फॉर रेजविनेशन एंड ट्रांसफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज अमृत मिशन सेंटर का ये स्कीम है इसके अंडर हिमाचल में दो उसको सेंटर्स को डेवलप किया जा रहा है वन इज़ शिमला एंड कुल्लू स्मार्ट सिटी मिशन जून 2015 में इसको लॉन्च किया गया था इसमें दो जगह है दैट इज़ धर्मशाला एंड शिमला इन्हें डिवेल्प किया जा स्मार्ट सिटीज़ इसके अलावा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को सेटअप किया है आ, स्टेट गवर्नमेंट ने 2019 में और ये अथॉरिटी सेटअप की गई है शिमला में ये चीज़ याद रखिएगा आदर्श श्रेष्ठ शहर योजना ये प्रीवियस ईयर के बजट में स्कीम लॉन्च की थी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ को इंसेंटिव्स और अवार्ड दिए जाएंगे अगर कोई ऐसी जो सबसे बेस्ट सैनिटेशन और क्लिननेस सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी और ये अवार्ड दिया जाएगा ट्वेंटी फिफ्थ दिसम्बर को एवरी ईयर जो कि गुड गवर्नेंस डे जिस दिन हम मनाते हैं दैट हैपन्स टू बी द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वन ऑफ द मोस्ट बिलवड प्राइम मिनिस्टर्स दैट इज़ अटल बिहारी वाजपेयी जी तो इसमें बेस्ट म्यूनसिपल काउंसिल को अवार्ड दिया जाएगा एक करोड़ तक का और नगर पंचायत को सेवेंटी फाइव लाख रुपीज़ तक का अवार्ड दिया जाएगा जो बेस्ट सैनिटेशन और क्लिननेस सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर दैट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ द इकनॉमिक सर्वे इन्फॉर्मेशन एंड साइंस टेक्नोलॉजी हिम्स वन स्टैंड फॉर हिमाचल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने सेटअप किया है हिमाचल प्रदेश के अंडर नेशनल ई गवर्नेस प्लान और ये सेटअप किया गया है आपके पास नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए टू ऑल द स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्टिल ब्लॉक लेवल इसमें जी टू जी यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जी टू सी और जी टू बी सर्विसेस प्रोवाइड की जाएंगी ये सेटअप किया गया था विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प से जिन्होंने इनिशियली इस प्रोजेक्ट को फंड किया फॉर द पीरियड ऑफ सिक्स ईयर्स यानी कि शुरुआती सिक्स ईयर्स तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको फंड किया और ये कब सेटअप किया गया था द डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिफ्थ फेबरी 2008 को ये सेटअप किया गया था इनिशियल सिक्स ईयर्स तक इसको सेंटर ने फंड uh, किया उसके बाद फिर इसको अब स्टेट गवर्नमेंट फ़ंड कर रहा है लोक मित्र केंद्र जो हैं वो सेटअप किए गए हैं पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक बिल कलेक्शंस जमाबंदी और इसके अलावा और भी जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनकी डिलीवरी के लिए लोक मित्र केंद्र के खोले गए हैं और एट प्रेजेंट 3701 सेवन जीरो वन लोक मित्र केंद्र के हैं हिमाचल प्रदेश में डिजी लॉकर सर्विस इलेवन डिपार्टमेंट्स में प्रोवाइड की जा रही है हिमाचल प्रदेश के और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के अंडर थर्टी फोर स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें डी बी टी किया जा रहा है यानी कि थर्टी फोर डिफरेंट स्कीम्स के जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको जो भी उनकी फाइनेंशियल ग्रांट है फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही है तो कितनी स्कीम्स में ये हो रहा है वो नंबर आप याद रखिएगा दैट इज थर्टी फोर डिफरेंट स्कीम्स भारत नेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव है जिसके अंडर हमने हर ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करनी है और ये दुनिया का लार्जेस्ट रूरल कनेक्टिविटी स्कीम है तो इसमें हिमाचल प्रदेश में 207 ग्राम पंचायत को आइडेंटिफाई किया गया है इन सिक्स ब्लॉक्स ग्राम पंचायत याद रखिएगा कितनी है दो ग्राम पंचायत हैं छः ब्लाक्स में जो कि तीन डिस्ट्रिक्ट में हैं हमीरपुर मंडी और सोलन में तो हमीरपुर में जो ब्लॉक्स हैं वो हैं आपके पास नंदौन सुजानपुर टीरा बिछहारी बम्सन मंडी में सिराज और सोलन में नालागढ़ में राइट एच पी माई जी ओ वी ये जो है एक ऑनलाइन uh, प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च किया गया है सिक्स जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी को और ये लॉन्च किया गया है विद द एम ऑफ इन्हेंसिंग सिटीजन पार्टनरशिप विद द स्टेट गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी फार्मोलेशन है जो डिसीजन मेकिंग है उसमें uh, पब्लिक का उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन इन्हांस करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया गया है और इस पोर्टल में लोग अपने सजेशंस, अपने व्यूज़ अपना फीडबैक जो भी है गवर्नमेंट पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स और स्कीम्स के रिलेटेड वो इसमें अपना रजिस्टर कर सकते हैं ऑन दिस पोर्टल नेक्स्ट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई टूल्स यूज कर रही है टू इंश्योर अ स्मार्ट गवर्नमेंट अब ये स्मार्ट क्या है ये एक्रोनिम एग्जाम में पूछा जा सकता है तो उस एक्रोनिम को याद रखिएगा स्मार्ट गवर्नमेंट स्टैंड फॉर सिंपल मॉरल अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इट कैन बी आस्ड इन एग्जाम गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी सेटअप कर रही है और ये सेटअप किए जा रहे हैं शिमला सोलन हमीरपुर बद्दी परवानू कुल्लू मंडी और धर्मशाला में ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट्स के अंडर सभी बारह डिस्ट्रिक्ट्स में सिक्सटी टू ई सर्विसेज जो है वो अब तक प्रोवाइड की जा रही हैं सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो एंड ऑल्सो फॉर द एच पी इक्नॉमिक सर्वे टू थाउजेंड सीरीज ये इकनॉमिक सर्वे पूरा कंप्लीट हो चुका है और आपका कोई भी क्वेश्चंस हैं आप अपनी डाउट्स कमेंट सेक्शन में आ, लिख सकते हैं एंड अगेन जो पीडीएफ है इस पूरी आ, वीडियो की सीरीज़ का वो आपको हिलियस कोचिंग हिमाचल की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा तो आप उसे वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं दैट्स इट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स